अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद शाहीन सुल्ताना। तो आज गाइस हम बना रहे हैं दम आलू, एकदम से यूनिक स्टाइल में। तो चलिए हम इस, और इतना बनाना आसान है और इतने ब्यूटीफुल बनकर रेडी हुए आप देख सकते हैं, और इतने माउथ वाटरिंग के पूछिए मत, टेस्ट में भी उतना ही टेस्टी और इतने सॉफ्ट बने हैं ये आलू भी। और आप मेरे मेथड से बनाइए तो आप वाह वाह पाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले आलू लेते हैं 500 ग्राम, आधा किलो हम आलू लेंगे। इसे अच्छे से धोकर इस तरह से एक हांडी में डालिए और इसे गला लीजिए। चाहे तो आप कुकर में भी गला सकते हैं, लेकिन हाफ बॉईल कराना है तो इसलिए मैंने इस तरह से की हूँ। तो देख सकते हैं आप कितना आलू पका हुआ है। तो इन आलू को मैंने कट कर लिया है इस तरह से, और इसमें मैं छेद मार रही हूँ एक फोक की सहायता लेकर। इस तरह से हम इसे फोक कर देंगे, पूरा होल्स बना दीजिए सारे आलू को हम इस तरह से करेंगे ताकि इसके अंदर अच्छे से मसाले जाएं और ये एकदम टेस्टी बने। अच्छे से मैंने ग्रेवी के साथ बनाया है, तो गाइस आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। तो इस तरह से हम सारे आलूओं को खरोचेंगे, देखिए इस तरह से। तो सारे आलूओं को हमने अच्छे से छेद कर लिया है, अब इसे हम फ्राई करेंगे। फर्स्ट हम इसका मसाला तैयार करते हैं। एक टीस्पून ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा, एक टीस्पून सौंफ है, एक टीस्पून इसमें थोड़ी सी काली मिर्च मैंने डाली है, ये ज़रूरी है इसके अंदर जाने का, ये मसाला ही है इसका। और ये थोड़ा सा साबुत धनिया भी 1 टीस्पून ही है, मैंने ज़्यादा नहीं लिया है। बस इन तीनों को हम चारों को अच्छे से हल्की आंच पे रोस्ट करेंगे इसकी कच्ची स्मेल जाने तक। हमें इसे ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, यानी ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस हल्का सा रोस्ट करना है कच्ची स्मेल जाने तक। स्लो फ्लेम पे कीजिए, बहुत अच्छा होता है ये, एकदम सौंधी खुशबू आ रही है। चलिए हम इसे उतार लेते हैं और एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो इस तरह का होना है, देखिए। अब इसे अच्छे से हम पाउडर बना लेंगे, चाहे तो आप ग्राइंडर में भी इसे पाउडर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक बाउल में दही लेंगे। दही मैंने 200 ग्राम लिया है। इसे अच्छे से फेंट लेंगे, कोई लम्स ना रहे। इसे फेंटने के बाद हम इसमें, देखिए अच्छे से फेंटना है, ये क्रीमी जैसा हो चुका है। तो अब इसमें जाएंगे कुछ मसाले। ये है कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून। ये कलर बहुत अच्छा आता है दम आलू में, ये कंपलसरी जाएगा। इसमें मैंने रेगुलर मिर्च भी डाला है 1/2 टीस्पून, नहीं तो ये तेज़ होगा। अब इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, बस थोड़ी सी हल्दी लीजिए। नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए, यानी स्वाद अनुसार नमक। इसमें मैंने जो मसाले अभी अभी मैंने जो कूटा था वो मसाले भी इसमें ऐड कर लेंगे, यानी दम आलू का मसाले जो हमने तैयार किया था वो भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इस तरह से सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतना आसान तरीके से मैं बता रही हूँ गाइस, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये सारे मसालों को हम एक साइड पर कर लेते हैं। और ये मैंने 4 टमाटर लेकर उसमें 2 हरी मिर्चों डालकर इसका पेस्ट बना ली हूँ। अब सबसे पहले हम आलू, एक बर्तन में थोड़ा सा तेल गरम करेंगे और आलू इसमें फ्राई होने देंगे। ये बेबी पोटैटोस है, आप अगर आपके पास अगर छोटे आलू नहीं हैं तो आप बड़े आलू को भी कट कर इस तरह से बना सकते हैं। तो इसे अच्छे से हम चलाते हुए, इसे आप चलाते रहना है वरना ये चिपक जाएंगे। कंटिन्यू इसे चलाते रहना है, चारों ओर से ये अच्छे से ब्राउन कलर हो जाएं, अच्छे से फ्राई हो जाएं, तब तक इसे आपको चलाते रहना है। थोड़ा सा टाइम लेती है ये डिश, लेकिन बहुत बनकर अच्छी होती है और इतनी टेस्टी होती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए, चटपटी एकदम से। इस तरह से हम इसे आगे पीछे कर इसे अच्छे से फ्राई होने कर लेंगे। तो देखिए तकरीबन अच्छे से फ्राई हो चुके हैं,
यानी चारों तरफ से। अब इसे हम एक निकाल लेंगे एक बर्तन में, और वही तेल में और थोड़ा सा हम ऑयल ऐड करेंगे, कुकिंग ऑयल, और इसमें डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। तो देखिए हमने ये रेडी कर कर रख लिया है, साथ में अभी हमें देर नहीं लगेगी ये बनाने में। तो डालते हैं 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, उसमें कुछ मसाले, तेज़पत्ता, दालचीनी, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग, 2 से 4 लौंग। इसे अच्छे से फ्राई होने देंगे, और इसमें एक कटी हुई हमने आमलेट कट कर कर मैंने प्याज रखा था, 1 बड़ी प्याज, ये इसमें ऐड कर देंगे। बारीक काटना है याद रखिएगा। चलिए इसे भी हम अच्छे से इसमें सॉटे करेंगे मसालों के साथ, इसे भी अच्छे से फ्राई होने देंगे। इसका हल्का सा ब्राउन कलर आना है, अगर आप सफ़ेद कलर रखेंगे तो दम आलू वाइट बनेंगे, अच्छा नहीं लगेगा ग्रेवी का कलर। आपको इसे अच्छे से थोड़ा सा फ्राई करना है प्याज को। अब ये जाएगा फ्रेश एकदम से अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून भरकर। चलिए इसे भी अच्छे से प्याज के साथ हम फ्राई करेंगे। सारे मसालों का अरोमा बहुत अच्छा आ रहा है गाइस, कच्ची स्मेल आने तक हम अदरक लहसुन को भी प्याज के साथ सारे मसालों के साथ अच्छे से फ्राई होने देंगे। तरह से सोटे करना है आपको। तो देख सकते हैं प्याज का भी कलर चेंज हो गया है और अदरक लहसुन भी हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम टमाटर प्योरे डाल देंगे जो हमने पेस्ट बनाकर रखा था हरी मिर्ची और टमाटर के साथ। चलिए इसे भी अच्छे से भूनते हैं। अब टाइम आपको लगेगा इसमें इसे भूनने में। जब तक हम डारे टमाटर तेल छोड़ना ना शुरू करें तब तक हम इसे अच्छे से भूनते रहेंगे और इसकी कच्ची स्मेल जाने तक इसे भूनते रहेंगे। टमाटर को अच्छे से भूनने दीजिए। देखिए अब इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करते हैं ताकि टमाटर जल्द से जल्द इसमें भुने जाएं, यानी प्योरी जल्दी से जल्दी इसमें पक जाती हैं। टमाटर में जब भी आप चाहे कच्चा टमाटर हो या प्योरी हो या पेस्ट हो, जो भी आप इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा नमक डालिए ताकि वो जल्दी से पक जाएं। ये आप सबके लिए टिप है। तो देखिए ये पकना अच्छे से शुरू हो गया है। तो ये अच्छे से पकने के बाद, कच्ची स्मेल जाने के बाद, जो हमने दही के साथ मसाले फेंट कर रखा था, अब इसमें हम ऐड करते हैं, इसे भी अच्छे से भुनेंगे। तो देख सकते हैं दही का एक भी लम्स नहीं है इसमें, दही को हमने अच्छे से फेंट लिया है। तो इसी तरह से आपको फेंटना है, इसे अच्छे से भुनेंगे। आधा आलू आपको बॉईल कर कर उसके बाद में ही आपको उसमें छेद मार कर उसे फ्राई करना है, क्योंकि हमें पकाने में समय ज़्यादा नहीं लगेगा। इस तरह से बहुत सारे लोग जस्ट फ्राई कर कर फिर इसे उसमें गलाते हैं, तो मैंने ऐसा नहीं किया है। आधा मैंने 1 सीटी आने तक बॉईल कर लिया है, 1/2 सीटी, और उसके बाद में मैंने, आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से आलू को फ्राई किया है। चलिए देखिए ये भी तेल छोड़ने लगा है, तेल सेपरेट होने लगा है इसमें, मसाले यानी दही हमारे जो मसाले हैं अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, कच्ची स्मेल भी जा चुकी है। अब इसमें हम आलू ऐड करेंगे। अब दम आलू है तो इसे हम 5 से 10 मिनट तक इसे हल्की आंच पे थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे इसे भूनने के बाद, और इसमें हम धीमी आंच पे इसे यानी स्लो फ्लेम पर इसे दम देंगे। आप 10 मिनट इसमें डाल दीजिए, बीच बीच में आप चेक कीजिए। तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें 2 ग्लास पानी डाल दिया है, जो भी कच्चापन है आलू का वो चला जाएगा, दम हो जाएंगे इसमें। देख सकते हैं आप बीच बीच में मैंने इसे हिला रही हूँ, इस तरह से मैं स्टर कर रही हूँ। तो इस तरह से हम स्टर कर लेंगे इसे, फिर इसे हम ढककर छोड़ देते हैं। तो अब देखिए ये अच्छे से पक चुके हैं, यानी हम इसे ढककर छोड़ दिया था 10 मिनट तक। अब ये आलू भी अच्छे से गल चुके हैं। मैं आपको आलू की और इसकी ग्रेवी भी बताती हूँ, अच्छी ग्रेवी भी बनी है इसकी, और आलू भी इतने सॉफ्ट बनकर, देख सकते हैं आप इतने अच्छे गल चुके हैं, इतने टेस्टी बनी है गाइस ये डिश, आप ज़रूर ट्राई कीजिए आपके घर पर।
दही आप नॉर्मल लीजिए। अब इसमें डालूंगी कसूरी मेथी का पाउडर, हम हाथ से क्रश करके इसे डाल देंगे कसूरी मेथी को 1 टीस्पून, और ये है हरा धनिया 1 मुट्ठी भरकर। अब डालूंगी मैं इसमें गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, ताकि ये चटपटा अच्छा सा टेस्टी बनकर रेडी हो जाए। लास्ट मोमेंट पे हम इसमें डालेंगे, लास्ट एकदम से लास्ट में, बस इसे हम 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। देखिए इसकी ग्रेवी भी कितनी थिक है, और थिक हो जाएगी। 2 मिनट हम एकदम स्लो फ्लेम पर छोड़ देंगे, और तेल भी देखिए आप, इतनी तेल की तरी ऊपर आई है। चलिए गाइस इसे हम छोड़ देंगे। अब ये बनकर रेडी हो चुका है। 2 मिनट के बाद मैंने अच्छे से स्लो फ्लेम पर इसे दम दे दिया था ढककर, तो अब इसे हम डिश आउट करेंगे। तो गाइस जिस किसी भी मेरे डिशेस पसंद आ रहे हैं, तो देखिए कितना खूबसूरत ये बनकर रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं इसका रोगन भी कितना आया है। तो इस तरह से ये दम के आलू बनकर रेडी हो चुके हैं गाइस। तो प्लीज़ जिस किसी भी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, मेरे डिशेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। जिस जो अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो वो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। ओके गाइस, बाय, थैंक यू फॉर वॉच माई चैनल।